अच्छा अभी ये इसकी तुम अभी ये कितनी देर तक ये करेंगे साफ? ये इंशाल्लाह ताला 3-4 बजे। नहीं तो अब इसमें क्या क्या, इसको तो पहले तो ये सारी जितनी भी इसके ऊपर लिखाई हुई थी और पोस्टर है, इसको तो पहले धो दो साफ करके। आप ये बिल्कुल ऐसे क्लियर कर, नहीं वो तो क्लियर आप करोगे, इसमें सीढ़ी रख के इसके ऊपर भी काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है, वो सारा साफ करो। और ये जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ये जो है इसके अक्षर जो है ये सारे ठीक करने हैं, जहाँ जहाँ टाइलें निकली हुई हैं वो भी उसको भी ठीक करना है। मैडम ये रगड़ाई करेंगे आज बस, हाँ। ये निकाल देंगे नाम टोटल, ये पूरा मार्बल लगेगा, ये नाम दोबारा से फिट कर, हाँ। इसके नीचे वाली टाइल बिल्कुल खत्म हो गई, नहीं लगाएंगे, हाँ। उसके बाद ये, हाँ। और ये देखो यहाँ पे ये क्या सीपी जा रहा है, पानी खड़ा हो रहा है, इसमें जगह है पानी निकल रही है, पानी का जगह थी ऊपर से पैंप ने कचरा वचरा डाला बंद हो गया। हाँ देखो ये सीपेज नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर पानी रुकता है, ठीक है पानी नहीं रुकेगा ऐसे कर, ये आज इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अच्छा और जितने भी ये दरख्त के 3-4 जो अभी खड्डे खुदवाए हैं इसमें सब में खाद डाल के इनमें पानी डालना आप शुरू करवाओ, बाकी मैं बाहर रोड की तरफ 2-3 दरख्तों के लिए खड्डा खुदवाना है अभी मुझे, ठीक है तो फिर वो उसको भी मैं आपको बताती हूँ, मुझे पेन पेपर ला के दें आप कहाँ हो। इसमें ना मैप निकालो, ये वाला निकालो हिस्सा, ये देखो ये ऐसे तो नहीं इसका हाल रखो ना, आप कल देख रहे थे इस पे ऐसे रखेंगे ना, इसके पूरे चारों तरफ ये तीनों तरफ एक बनेगा फुटपाथ, उस फुटपाथ के हर 5 फीट के बाद एक दरख्त लगेगा, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरा जो है एक जंगल जैसा हो जाए, सही है, ठीक है, सही है। सिर्फ एंट्रेंस पे दोनों साइड पर नहीं होंगे, सही। बाकी यहाँ से 5 फुट ये हुआ एक इधर आ गया, फिर एक इसके इस साइड से शुरू करना, फिर 5 फुट छोड़ना, फिर एक दरख्त की जगह छोड़ना, खड्डे तो फुटपाथ में ही बना देना, फिर सिविल सोसाइटी के लोग आएंगे वही उसमें प्लांट करेंगे आके दरख्त को, ठीक है। तो ये तुम इसको पेपर से जरा बना के अभी अपने कॉन्ट्रैक्टर को दिखा दो, सही है, ठीक है, सही है। ये हुसैन भाई आ रहे हैं, हुसैन भाई कितने नहीं आज नहीं आ रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, वो काशी मार रहा है ना, उनको बना के दे दूंगा वो घर पर। तुम अभी देखे मुझे बताओ उनको, अगर उनको बोल दो कि अभी हैं मैं यहाँ पर हूँ तो मैं उनको समझा दूँगा अभी, क्योंकि उसके लिए माल भी तो चाहिए होगा ना, वो माल कहाँ से करोगे फिर, अभी इसमें से कुछ निकल रहा है, इसमें से तो कुछ भी नहीं निकल, तो फिर इसको हम रेक मार से कर रहे हैं, रेक मार से भी ये नहीं होगा, ये ग्राइंडर के अलावा नहीं होगा। ये मट्टी की खैर है, ये पड़ी भी रहेगी, मसला नहीं, वो कचरा जो है ना ये कागज़ वागज जितने भी ये वो बोरी में डाल के इधर सारा इधर बोरी में वो मट्टी आ रही है, हाँ ठीक है।
ये अहम है कि ये जो जालियाँ हैं ना, ये जालियाँ ये लग जाएँ कि अहम काम इसका ये पेवर अहम काम है। सबसे बड़ी बात ये सफाई है, ये हो जाएगी, ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये 2 हफ्ते तक इंशाल्लाह ताला ये काम हो जाएगा, मगर अहम काम ये इसका है, इसका उससे हट के अल्लाह तआला भला करे ये जालियों का है या ये पेवर का है। ये काम हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला बस का काम कम्प्लीट हो जाएगा। आज ये सफाई का काम हो रहा है और ये खुदाई का काम हो रहा है। ये सीढ़ियाँ जो हैं वो बनानी हैं और दूसरा वो खुदाई भी हो रही है। जो जो हमारे जमे हैं वो कर रहे हैं। भाई जान हम इधर का फोरमैन है, ये साथ नहीं होंगे तो हम इधर काम करेंगे इंशाल्लाह। ये मजदूर लगा कर जो अपने पास बजट आया है इसका कपड़ा काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं नहीं भी हुआ तो ये इंशाल्लाह ताला काम कराएँगे। जो हम टाइम देंगे उस पर ये काम करवा के देंगे। जंपर होते हैं उसको बोला या कोने में जो है उसको रखा कर भी कचरा बोला उसी में डाल दिया। वो यही कर रहे हैं हम लोग, हम डंपर का कचरे का एक पूरा एक सेक्शन वहाँ पे बना रहे हैं ताकि सारे लोग वहीं पे फेंक सकें। अच्छा ये जो दर्जी वाले साहब हैं इनसे मुझे जाके बात करनी है, इनको पूछे मैं आऊँ जरा। आप आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर लेती हूँ। हम एसोसिएशंस बना रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान चौक के लिए ना, सब दुकानों में जा जाकर जितने भी यहाँ पे लोग हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले, आपकी नजरों के सामने तो ये चौक बहुत दफा ठीक हुआ होगा है ना? गवर्नमेंट ने किया होगा, फिर किसी और ने किया होगा, कितनी दफा ठीक हुआ है ये मत पूछे नहीं ठीक होता था ना, जब ये ठीक नहीं होता था उस वक्त ये चौक लोगों के घर का आंगन होता था। सही, यहाँ ये फुटपाथ है, ऐसा साफ सुथरा फुटपाथ होता था ये कि लोग घरों से अपना दरियन लाते थे, डेढ़ डेढ़ कमरे के फ्लैट और बैठते थे इधर, खवातीन खाना ले आती थी शाम को बैठती थी इधर, मर्द जब उनके काम से आते थे तो इधर बैठ के खाना खाते थे, ठीक है शाम के टाइम पर। कोई बात नहीं, छोड़ दे। अच्छा, तो औरतें इधर बैठी रहती थी शाम को, गप्पे आपस में मारती थी, मर्द उधर चले जाते थे ग्राउंड पे, ये जो तिकोना पार्क बना हुआ, और लड़कियां ये राउंड अबाउट में चली जाती थी, दुपट्टा गले में बांधा और अपना कोई खो खो खेल रहा, कोई लंगड़ी खेल रहा। जब ये कुछ नहीं होता था तो ये चौक इतना अच्छा बात था। अब जब बनने लगा जिस दिन से, उस दिन से इसका सत्यानाश हो गया। और ये चौक कौन से साल में बना था? ये चौक तो अंग्रेजों के जमाने का, ये वाला स्कल्पचर जो है 87 की बात है, ये जब इलेक्शन कराए थे जियाउलग ने, जो नेजो की गवर्नमेंट बनी थी, 70s की बात नहीं है, 70s की बात नहीं है, 80s में हुआ, 80s में हुआ जिया के वक्त में। ऑफकोर्स पाकिस्तान का मतलब क्या लाला, 80s के में बना तो सिर्फ यही बना था, चौंक के छोटा था, उसके बाद आने वालों ने इसमें जरा तरक्की की तो इसको बड़ा कर दिया। अभी
अभी जो इसका हाल है ये ये इसका हाल ऐसे ही रहेगा, नहीं बदलेगा। नहीं, जैसे अभी हम जो चीज़ इसमें कर रहे हैं, कुछ भी कर लें आप, नहीं कर लेगा। अच्छा जी, अरे आप तो हमें बिल्कुल डिस्करेज कर रही है काम करने से। हाँ, चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे जो लगता है चीज बनाने से पहले सबसे पहले आस पड़ोस का माहौल देखा जाता है, उसको सही किया जाता है। सुने सुने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान चौक एसोसिएशन बनाई जाए, दुकान वाले जितने भी यहाँ नीचे हैं, ये सब अगर हम एक मीटिंग करें और अगर महीना सब मिलकर ये इस चीज़ को ठीक करके ओनरशिप बनाएं अपनी चीज़ को समझ के, तो आपको लगता है फिर अगर सब इसमें इक्वल पार्ट लें? कदरें बदल गई हैं, वो ख्यालात नहीं रहे लोगों के। अगर हम ऐसे बोल दें कि नहीं होगा, बस कह दिया, तो ऐसे तो कभी कोई चीज़ आगे तरक्की तो नहीं होगी। कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन कोई सुने सुने सारे डिपार्टमेंट फेयर हूँ। हाँ। अब आप देख रहे हैं पुलिस इधर से गुजरती है। हाँ। कंप्लेन कितनी की है। हाँ। अभी भी की है, तो वो केएमसी वाले कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये लैंड डिपार्टमेंट वाले कहते हैं। अगर काउंसलर को कहते हैं तो काउंसलर कहता है जी कि हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, इसी एरिया में रहते हैं, वो हम पर ही गर्म होते हैं कि एक तो हमें तुमको वोट दे के लाए और ऊपर से तुम्हारे कारोबार से बेरोजगार करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ ये बाहर अगर बनेगा तो फिर अपना इधर अडिक्ट लोग आके बैठेंगे। लेकिन अभी इतना अच्छा चौक, इतना पाकिस्तान के नाम से मंसूब और जगह भी ऐसी, अगर आप इसको पाकिस्तान को ही अगर शो करना है तो आप देखें जैसा पाकिस्तान का नक्शा है उसके बराबर स्पेस है इसमें कि नहीं है। हाँ। पाकिस्तान का नक्शा हम चाह रहे हैं वहाँ पर, आप इसको पाकिस्तान का चौक का नाम दे रहे तो पाकिस्तान का नक्शा दे रहे चार करोड़ छोटे वो तो देखिए, मगर अभी जो कम से कम जो वैसे ख्याल नहीं करता सारे माल देते हैं, कोई 4,000 रुपया महीना देता है, कोई 2,000 देता है, कोई 5,000 रुपया महीना देता है, ये सुपर देते हैं अपने सुपरवाइजरों को, वो आगे तक सब पहुंच रहा है। अभी ये तीनों तरफ से बंद है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका ये है। ये आपका इधर मॉन्यूमेंट आ गया ना, अभी हम क्या कर रहे हैं इधर से ये ऐसे रास्ता खोल रहा है, ठीक है ना, यहाँ ऊपर भी चढ़ सके नीचे भी जा सके, एक तरह से एक पैसेज वे बन जाए। यहाँ पे हम एक कचरा कुंडी बना रहे हैं कोने में, ठीक है, ये और गंद पड़ जाएगा। नहीं सुने, ये सारा यहाँ से इसका निकाल कर सब सफाई सुथरी बुथरी कर कर इसका थल्ला, ये पूरा पक्का जिसने अभी ये कच्चा सारा हर साइडों से टूटा हुआ है ना, इसको कर रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो सामने वाले फुटपाथ हैं, ये आ रहा है ना आपका फुटपाथ, इन सब को आप कह रहे हो यहाँ से आके घूमा नहीं है ना, सिर्फ ये रह गए हैं, हम इसके इसको बनवाएंगे, ऐसे कर लेते हैं। 92 में खुदाई हुई थी नवाज शरीफ के पहले दौर में, जब ये इन्होंने केबल डाली थी डेली फोर की, तो लोग कहते थे, अपोजिशन कहती थी कि बेकार पैसा खर्च किया। बाद में पीपी का दौर आया तो उसने ये नारा लगाया, कुर्बतें बढ़ गई फासले कम हुए, याद होगा आपको। उस ज़माने का ये फुटपाथ खुदा हुआ है, जबकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो कह रहे थे कि बना के जाएंगे, लेकिन ये नहीं बना। इतनी हुकूमतें बदल गई, फंड आता है, कोई तो काम करे, कोई काम ही नहीं होता। कचरा ही जब नहीं उठाया जाएगा तो कचरा कुंडी बनाने का कोई फायदा नहीं। मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? सॉरी, मसूदुल हसन। मसूदुल हसन, आप क्या करें, आप इससे सिर्फ ये सलवारें बनाते हैं क्या करें? नहीं, मैं इधर मेडिकल वेयरिंग का काम, मेडिकल वेयरिंग का काम, जैसे डॉक्टर वाइट कोट पहनते हैं। अच्छा। डॉक्टर कोट, सर्जन गाउन। कितने सालों से कर रहे हैं? ऑपरेशन थिएटर, जब से पाकिस्तान बना तब से दुकान इधर ही है मेरी, पहले वालिद साहब होते थे। अच्छा। उसके बाद में 90s में 91 में उनकी डेथ हो गई, तो फिर उसके बाद आपने करना शुरू कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला, बहुत गुस्से में हैं आप। गुस्से में नहीं है, देखे ना चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, अगर इंसान इतनी मेहनत करता है, मैं टैक्स इतनी अभी तक दे रहा हूँ, स्टार्ट से हम लोग टैक्स दे रहे हैं, और मेरा इनकम टैक्स नंबर है 007515 एरिया कोड के साथ। 007 जी, ये तो आप मुझे भेज दीजिएगा, ये तो बड़ा अच्छा नंबर है। मैं आपको कार दिखाता हूँ, लेकिन आपको हुकूमत क्या देती है? कुछ भी नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस इस वक्त मेरे ख्याल में नहीं है, ये रहा।
ना हमारे पास कोई तफरी की जगह है, ना हमारे पास इंटरटेनमेंट की जगह है। आदमी सारा दिन अगर ड्यूटी करता थका रहा जाए तो कहाँ जाए। अपने आप को उसके ये एरिया को डबल जीरो सेवन। और ये कब का बना होगा? ये उस वक्त का बना होगा जब इनकम नंबर अलाउ नहीं हुए थे, हम सिर्फ नाम से टैक्स देते थे। आपने कहा वीडियो नहीं बना रहे और पूरी वीडियो बन गई। आप जैसे लोगों के तो चाहिए होता है। ये क्या अपना रिकॉर्ड में रहेगी क्या? ये नहीं, ये ऐसी हमारी आर्काइव के लिए है कि हम चीजें जो करते हैं अगर शहर में उसका क्या फायदा है, होता भी है या नहीं होता। आपकी बात बहुत बहुत जरूरी है। नाराज़ है, पुरानी फैमिली है, पुरानी एसोसिएशन है यहाँ पे, तो इनकी बात बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं कहा इन्हें। ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि ये घर का आंगन होता था। और जब जब कोई दैट्स द थिंग, यू नो, यू ऑलवेज कीप क्वेश्चनिंग कि व्हेन यू स्टार्ट डिज़ाइनिंग डज इट टेक अवे फ्रॉम द पीपल और डज इट बिकम पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल। सो दैट्स समथिंग आई डोंट नो, इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। ही सेइंग जब तक हाथ नहीं लगाया था तब तक सब कुछ ठीक था, द मोमेंट इट बिकेम ऑर्गेनाइज्ड देयर वाज अ प्रॉब्लम। सो विच वी कीप हियरिंग फ्रॉम, यू नो, आई मीन ऑफ कोर्स आवर प्रोफेसर्स एंड टीचर्स एंड गुरुज आल्सो से द सेम थिंग, बट लुक एट इट नाउ। आई मीन व्हाट आई रियली बिलीव इज दैट देयर हैज टू बी एन एसोसिएशन वेयर पीपल कम टुगेदर एंड दे टेक द ओनरशिप। दैट्स व्हाट इट शुड बी। थोड़ा भाई तुम लोग अपना नहीं है क्या? अपना नहीं है क्या? नहीं, तुम्हारे वाला नहीं है। हाँ, जो काट रहा है तो इधर बोरे में है। हमारी पहचान कैसे होगी? आपको भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? हम तो इंटरनेट नहीं चलाते, हम वो टीवी देखते हैं। टीवी पे भी आ रही है। कौन से चैनल पे आएगा ये पता नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या कि इतना गर्म हो जाता है, तो हमने उसके लिए ये किया भाई, हम उसके लिए साइन प्लास्टिक साइन डालकर इसी के ऊपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्टली। आपको भी सरकारी ड्यूटी दे दो, सही है ना? बनाने वाले आप अपने यहाँ इसका इजाज़
जब से जो मैडम ने ये डिज़ाइन किया तब से ये है कि मैडम खुद सर्वे कर रही है, हर चीज़ के हवाले से फोकस कर रही हैं कि हर चीज़ को बारीकी से देख रही हैं कि क्या चीज़ चेंज फ़ौरन चेंज करनी हो तो फ़ौरन चेंज करवाती हैं। मतलब पार्क में ये हुआ है कि दूसरों के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने इतनी वर्किंग नहीं देखी दूसरों की, जो मैडम के हवाले से वर्किंग है, जो होनी भी चाहिए एक आर्किटेक्ट के हवाले से कि वो साइट पे डिज़ाइन करके छोड़े नहीं, आके चेक करें, क्योंकि आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है, इन केस अल्लाह ना करे कि उस पर कोई इशू आ जाते हैं तो आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर पे इशू आता है, आर्किटेक्ट आके खुद आके देखता रहेगा कि उसको भी तसल्ली होगी और कॉन्ट्रैक्टर की भी इज्जत बचेगी। सबसे बड़ी बात है उसमें सबसे बड़ा किरदार मेन आर्किटेक्ट का होता है डिज़ाइनिंग, वो मैडम जो है बहुत अच्छी तरीके से निभा रही हैं, तो मैडम को काफ़ी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मैडम को अभी मैंने किया है, मैंने कहा मैडम 3 साल 4 साल से मैं जब तक कर रहा हूँ काम, मैंने आप जैसी वर्किंग मैंने नहीं देखी, माशाल्लाह दूसरे आर्किटेक्ट से अच्छे हैं आपके। इसको तो छोड़ें, खैर आर्किटेक्ट्स होते रहते हैं जैसे भी हैं, पर ये बताइए कि आपने देखा कि इधर हमने दरख्तों पर बहुत एम्फसाइज़ किया है, ज़्यादातर आपने दरख्तों को फोकस किया पोल्यूशन के हवाले से, ताकि दरख्त जितने अच्छे वो भी हार्मफुल नहीं हो, कोरोना काल पर जो मैंने आपको सजेशन दिया आपने फ़ौरन मना किया कि ये जो है बहुत हार्मफुल होता है, तो ऐसा ट्री लगाएं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। फायदेमंद अभी जो नए ट्रीज लग रहे हैं जितने भी लग रहे हैं वो हम यहाँ के नीम ट्री और ये और अभी हमारे जब से हमने इसको थोड़ा बहुत डिस्कस करना शुरू किया इस प्रोजेक्ट को लोगों से, तो वो आके डोनेट करना चाह रहे हैं, तो अभी 10 दरख्त हमारे ऑन द वे हैं जो कि एक सिविल सोसाइटी से नेटिव ट्री में, और उस ट्री की लॉन्गविटी भी देखती है ना कि वो खुद सस्टेनेबल भी हो, और यहीं के एसोसिएशन मेम्बर्स जो इसको पानी दें। अब अगर हम कोई और दरख्त ले आते हैं ना उनको समझ में आओ क्या हो, जल जाए फिर ये लोग ख़राब हो जाए चीज़, तो उसका तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक लर्निंग पॉइंट भी है हम सबके लिए कि जब हम काम कर रहे हो तो देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्टर एंड एन आर्किटेक्ट, और ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, ये मिलजुल के जब आप सोशल इंटरवेंशन करते हैं या शहर में उसमें ये ज़रूरी होता है कि आप सबको साथ लेके चलें, देयर इज़ नो यू नो चेंज ऑफ लेवल्स हियर, एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट टू आल्सो ट्रेन यंग आर्किटेक्ट्स दैट व्हेन यू डू सिटी इंटरव्यू, कोई भी आप शहर में काम करें उसमें आपको एज ए टीम जो बिल्ड करनी होती है ना उसमें कोई भी आप लेवल्स के ऊपर आप मत सोचिए, इससे भी आप सीख रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं, इससे आप 100 चीज़ें सीख सकते हैं, या आपको बता भी सकता है कि इसकी पेनिट्रेशन पानी की किस तरह संभाल के रखनी है। जैसे अभी मैंने नेशनल म्यूजियम से माली आया हुआ था, उससे मैंने पूछा कि ये दरख्त जो है अभी पूरा हेरोइनशियों ने या ड्रग अब्यूज़र्स ने ख़राब कर दिया, अब इसका हम क्या करें, जवाब तो मिल जाता है, मगर इट्स बेटर कि आप अपने वर्कर्स को अपनी टीम को इन्वॉल्व करें और उनसे पूछें, उनसे सजेशन लें, तो फिर मिलजुल के काम जो होता है वो बेहतर रहता है। ठीक है ना, ये जो रक्षे वाले यहाँ पे आते हैं वो वही होते हैं या अलग अलग लोग? मैकेनिक होते हैं। मैकेनिक होते हैं रक्षे वाले? हाँ, ये सारे मैकेनिक हैं। अच्छा, तो आप लोग चौक के बारे में क्या कहते हैं? किसके बारे में? चौक के बारे में, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना तो चाहिए, तो पहले भी बन गया लेकिन जाली माली लग गया, तो अगर आप बन गए तो आप भी कोशिश करें ना कि यहाँ रक्षा ना खड़ा करें और उधर खड़ा करें, एक बार ये बन जाएगा फिर तो ख़राब हो जाएगा, कितनी मेहनत हो रही है, गवर्नमेंट पैसे लगा रही है, तो इसको अगर कक्षों को अगर उधर खड़ा किया जाए तो बेहतर है। ये हमारी जिम्मेदारी है ना, और तो कोई आगे तो कैसे करेगा, देखभाल करने वाला हो ना, देखभाल करने वाले भी होंगे यहाँ पे और दरख्त भी लगेंगे, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी भी है ना। मैंने भी इधर दरख्त लगाए थे ना छोटे छोटे, फिर किसी ने कुछ नहीं किया ना, कोई कचरा फेंक रहा है कोई क्या फेंक रहा है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब जिम्मेदारी एक हमारी भी है कि हमें इसको सही रखना है, घर वाले खुद आते इधर कचरा फेंकते इधर ये बन जाते हैं घर वाले, इंशाल्लाह इसके बाद एक वो घर वालों से भी बात करेंगे और वो सब मिलकर इसका ध्यान रखेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा। मेरा बहुत सारे लगेंगे, एक चौक वो जगह होती है जहाँ पे दरख्त लगते हैं और लोग आके बैठते हैं वहाँ पे, आप अपने काम में थक जाएंगे, आप कहाँ बैठे, आप दरख्त के नीचे बैठे हैं चाय पिए शाम के वक्त, करीबन इधर 15-20 मिस्त्री है इधर, ये तो रमज़ान है ना, रमज़ान के बाद इतना रश होता है इधर सारा बंद, आपकी सहूलियत के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग यहाँ पे आराम से दरख्त के नीचे बैठे, करेंगे अपनी गाड़ियों को उधर लगाएंगे ताकि और नुकसान ना पड़े, अभी बन रहे तो आप लोग का ही फर्ज है कि इसको हम साफ रखें, आप लोग यहाँ 24 घंटे यहीं पे होते हैं, हम लोग तो झाड़ू लगाते हैं, वो केपसी वाले भी कचरा नहीं उठाते, ऐसे फेंक देते लोग अंदर फेंक देते, ये गलती जगह है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का नाम आते हैं, चौक आते हैं, फिर एक 4 तरवाल भी लगाया हुआ है, इसका भी कोई पूछता नहीं है,
सफाई हो गई, लेकिन कितने अच्छे से मिलकर काम कर रहे हैं। एक चौक एक जगह होती है जहाँ पे लोग बैठते हैं इलाके के, हम और आप होते हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये कर रहे हैं कि इसको वापस तो पुराना चौक बनाना चाह रहे हैं, कि जो पहले यहाँ पे दरख्त ज़्यादा होते थे, छाँव होता था, लोग आके बैठते थे, बेंचेज होते थे। तो हम चाह रहे हैं कि इस चौक को बनाएं, पर इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आप लोग हैं जो यहाँ के, हम लोग मिल के इसका ख्याल भी रखें, क्योंकि अभी तो जगह गंदा है, इधर तो लोग कचरा भी फेंकेंगे, लेकिन जब एक बार बन जाएगी साफ जगह होगी तो लोग कचरा नहीं फेंकेंगे। तो फिर हम और आप मिल के यहाँ पे एक अच्छी जगह बनाएं एक बैठने के लिए। आप अपने गाँव से थके होंगे, आप जाके बैठेंगे, लोग मिलने आते हैं, चौक के तो बहुत सारे फायदे होते हैं। सफाई वाला भी तो आएगा ना स्लीपर तो बिल्कुल। अभी आप इलाके वाले, आप लोग देखें सफाई वाले किधर है, तो पीछे करें। अरे बुला बुला के थक जाते हैं, आते ही नहीं है, क्या करें। यहाँ पैसे दे के उठवाना पड़ता है, पैसे आ गए, पैसे दे के उठवाना पड़ता है उनके, वो भी नखरे उठाओ उनके, कब आते हैं। नहीं, हम सब मिल के कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह ये मामला जो है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने मार्केट में ये लोग काम कर रहे हैं, ये हर आदमी का हक है, मतलब कि वो अपने अपने सफाई रखें। जो लोग यहाँ बैठते हैं, मतलब है, अब ये कल फारक बनेगा इंशाल्लाह, इस पार्क को और अच्छे अच्छे लोग आगे बैठेंगे। लेकिन दीवारें भी थोड़ी ऊँचे करा दें, थोड़ा सा इतना ऊँचा करा कि कोई मतलब कि जाग ना सके, इतना ऊँचा करा दें ताकि सेफ जगह बन जाए लोगों के लिए। जितने लोग ये काम करते हैं, सब लोगों को चाहिए कि कचरा कचरा अपना अपना उठा के, मतलब एक साइड में करके, वो कचरा कुंडी बराबर में, ये बराबर में कचरा कुंडी है, ये जो है ये सामने खंभा जो लगा हुआ है दरख्त वाला, वहाँ नहीं फेंकते, इधर फेंकते। हाँ वहाँ नहीं फेंकते, बाहर जो लोग इस बार कहते हैं उस लोग ये स्क्रीम स्क्रीम वाले ड्राम भर के लाते हैं कचरे, इस बार कई लोगों की छुट्टी होती है तो रात रात को वो इधर जो है ना कचरे कुंडी में कचरा नहीं जाते, इधर रास्ते में फैलाते हैं, वो कोई उठाता नहीं, वो कोई उठाता नहीं है। अच्छा, पर ये तो सारे ये अड्डे वाले की जिम्मेवारी है ना, आप लोग काम कर रहे, आप कचरा को सारा जगह इकट्ठा करके ये बराबर में खुली है, यहाँ तो किसी को पकड़ो भाई, ये कचरा उठा लो हमारे, या उनको शिकायत करो जाके भाई ये ढेर लगा हुआ है इसको उठाओ। सबसे पहले तो अपनी सफाई खुद करें। ये आपको एक बात बताऊँ कि अभी तो जगह गंदी है, अभी जगह गंदी है, यहाँ पे कचरा पहले से खड़ा हुआ है, पहले से पड़ा हुआ, तो लोग तो आगे फेंकेंगे, फेंकेंगे बिल्कुल। हम ये कर रहे हैं कि हम इस चौक को साफ करें, चौक को साफ करेंगे एक तरीके, जितने इलाके में ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं सदियों से काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हक इन लोगों का है, बिल्कुल ये अपनी रोजी कमा रहे हैं। पीछे तो बात कर लिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम लोग हम सब मिल के संभालेंगे, ये सब का हक है। यहाँ पे हम लोग दीवारें नहीं बनाएंगे, छोटी घर हम भी बैठेंगे इसमें, आप भी बैठेंगे, कोई भी बैठ सकते हैं इसमें, पर ये सब जिम्मेवारी है कि इस पार्क को हम साफ सुथरा करके रखें, चमका के रखें। अभी इधर हम दरख्त लगा रहे हैं पूरे माशाल्लाह, ऊपर दरख्त लगाएंगे, एक अच्छी जगह छाओगे और बेंचेस लगाएंगे, बिल्कुल ये तो बहुत तो अच्छी बात है, लोगों को भलाई के लिए लोग आके बैठे। हाँ बिल्डिंग वाले को जितने भी लोग हैं, मतलब कि सारे लोग इस माले वाले की जिम्मेवारी है कि हम ये चीज़ बना रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपके सुकून की सूरत के लिए, आपके लोगों के बैठने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ पर ये सारे लोगों की जिम्मेवारी है कि इस पर निगरानी करना, कोई आदमी कचरा फेंक रहा है सफर कर रहा, खबर मत होता माड़ा तो वह खबर न बोए, ये सब की मतलब की जिम्मेवारी है, तो ये जिम्मेवारी का एक शख्स को मुकर्रर कर रहा है यहाँ पे, वो पूरी एक कमेटी बनेगी, हाँ एक कमेटी बनाओ, मतलब के हाँ सब लोग कमेटी बनाओ, सब लोग का नाम रजिस्टर में करा दो, ये आप लोग की जिम्मेवारी है भाई, समझे ये सब आपके जिम्मे पे है, आप लोगों ने संभालना है इसका इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे सब लोग आप काम कर रहे हैं ज़माने से, और दुकानदार सब मतलब कि ये ज़माने से यहाँ काम कर रहे हैं, ज़माने से कारोबार चला रहे हैं अपना, तो ये हम लोग जो करीब रहने वाले हैं सबकी जिम्मेवारी है। ठीक है, रोजाना ये रक्षों की आवाजें
ये मोटरसाइकिल की आवाज़ है, ये ना एक्सीलेटर देना, तो ये एक जो ना नफ्सियाती मरीज बन जाता है, एक टेंशन, एक कुदरती टेंशन हो जाती है ना। सुबह उठते ही जो ना शोर शराबे की आवाज़ें, रक्षों की आवाज़ें खासकर, ये तो बजाद खुद एक जो बहुत बड़ी जो ना बीमारी है। और लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो बताना नहीं चाहते अपनी फीलिंग्स जो ना, वो इंतराफी करना चाहते हैं, मगर वो देख रहे हैं कि काम हो रहा है, तो वो मुझे यकीन है कि दिली खुशी हुई है मुझे। क्या है घर बस इन्होंने तो तोड़ दिए हैं बराबर वालों, इन्होंने तोड़ दिए, अब इनके भी बड़ी सख्ती आ गई है। अभी देखो मुझे कितना अच्छा लगा, पीपल जब ओनरशिप लेते हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ता है, अपने चीज़ ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान का है सिंका पाकिस्तान जो है ना, तो जहाँ पे लगेगा सकते हैं तो अच्छी बात हो जाएगी। सुनिए आप लोग, ये सारे लोग इधर, आप इधर ही रहते हैं अभी, तो ये हम बना के आपको दे जाएंगे ना, लेकिन अभी इसको बाद में जब ये बन जाता है तो इसकी सफाई, इसकी देखभाल आप लोगों ने करनी है, क्योंकि शुरू में तो जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर लोग सो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, अगर दोबारा से वही ये सिस्टम आ जाएगा तो ये फिर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, रेंजर्स भी आके बैठे, बैठने में किसी के ऊपर पाबंदी नहीं कि कौन आके बैठे, लेकिन यहाँ लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं, यहीं पर कचरा छोड़ के जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो यहाँ पर ही सारा पेवर शेवर लगा के बेंचेस दे देंगे, प्लांटेशन करेंगे, आप इसको एंजॉय करें, बैठें।
बैठे हिसाब किताब लाने वापस, लेकिन इसमें गंद ना करें, मतलब खाना पीना ना पीके। अभी एक एसोसिएशन हम यहाँ पे बनाएंगे पाकिस्तान चौक की, जो आप लोग ही लोकल इसके स्टेक होल्डर्स होंगे, और हम उसके साथ अभी आपके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, ये अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा। तो उसमें हम चाहेंगे कि आप प्लीज़ आइए उस मीटिंग्स में बैठें, उसका नाम मोहल्ला साजी है, और फिर हम चाहते हैं कि मोहल्ले वाले लोग उस चीज़ को ख्याल रखें। तो उसके लिए हम आपको ज़रूर इनवाइट, इधर ही मिलेंगे हम सारे इसी चौक पर। ये हम सबका है, ऑल ऑफ अस, एंड वी ऑल ऑफ अस नीड टू गेट टुगेदर एंड मेक इट अ ब्यूटीफुल स्पॉट। एब्सोल्युटली, है ना? एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इट मार्वी, यू आर ग्रेट। शजरकारी की मुहिम शुरू कर रहे हैं और ये चौक को जो है पुरपुजा बनाने के लिए पौधे लगा रहे हैं, ताकि माहौल कुछ बेहतर हो सके, जो ये पोल्यूशन है वो कम हो सके। यहाँ पे हम ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, सदर के इस इलाके में इतने दरख्त नहीं हैं, तो यहाँ जो रेनोवेशन हो रही है, फिर हमने सोचा कि नीम के दरख्त अच्छा ठंडा छांव देते हैं, तो ये लग जाएंगे इंशाल्लाह, बड़े हो जाएंगे तो ठंडा रहेगा ये जगह। वी प्लांटेड अबाउट 16 ट्रीज़ टुडे
होपफुली इन अनदर फ्यू इयर्स दे विल बी नाइस एंड बिग. हमारा मसला ये है हमारे कराची स्पेसिफिकली एज वेल एज हमारे पूरे पाकिस्तान का, कि लोगों में एहसास ख़त्म हो गया है. हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमें एक दरख्त की कितनी ज़रूरत है. एक दरख्त जो है वो एक ख़ानदान के चार लोगों को ऑक्सीजन दे सकता है. उसका मकसद ही हम भूल चुके हैं और हम उसको काट देते हैं. क्यों? क्योंकि हमें बिलबोर्ड लगाना है या बिलबोर्ड का व्यू ब्लॉक हो रहा है. 4 या 5% है हमारे पाकिस्तान का ग्रीन कवर. इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द काइंड ऑफ साइज ऑफ द कंट्री दैट वी लिव इन. एंड कराची की 23 मिलियन की आबादी है. अगर आप 23 मिलियन की आपकी आबादी है तो इसके मतलब है कि एक चौथाई अगर आप एक दरख्त चार लोगों को हवा साफ हवा दे सकता है तो इसके मतलब ये हुए कि 23 मिलियन अगर हम रफ एस्टिमेट करें तो हमें 6.5 मिलियन दरख्तों की तो मिनिमम ज़रूरत है ताकि साफ. उसके अलावा दिस इज़ नॉट इवन टेकिंग आउट कार्बन इमिशंस कितने होते हैं. आपकी गाड़ियों से कितना कार्बन इमिशन होता है वो तो काउंट ही नहीं हो रहा है इस सारी चीज़ों में. तो इसके मतलब तो इस तो इसका बेसिकली हमारा तो हमारे दरख्तों को ये हर बंदा अगर 10 से 15 दरख्त लगाए तभी हमारी कराची जो है हमारा हरा हो सकता है. हमारा कराची जो है एक जंगल बन चुका है. ऑफ आप ऐसा कह रहे हैं ये बड़े तंग के. आपकी सारी चिड़ियाँ आपकी वाइल्ड आपकी हर चीज़ आपका कुत्ता भी अगर होता है तो वो गाड़ी के नीचे क्यों लेटे भाई. अगर उसके पास एक दरख्त है तो होल्ड इट्स अ ट्री ऑफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट. एंड वी नीड टू प्रिजर्व एज मैनी ट्रीज़. वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज़. वी नीड टू प्रमोट द कल्चर ऑफ प्लांटिंग ट्रीज़. क्योंकि जब तक हम सब ये नहीं करेंगे तब तक हम बस रोते ही रहेंगे और हमारे हालात और पोल्यूशन और एनवायरनमेंट और तबाही और मचती रहेगी. मेरा सदर में बहुत आना जाना होता है और पाकिस्तान चौक अगेन इट्स सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटी. यहाँ से गुजर के जाना होता है तो इस जगह को मैंने अभी परसों तरसों भी देखा था और यहाँ पे कचरे के ढेर थे और यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे और मुझे मेरे इल्म में ये नहीं था कि मारवी इस पे काम कर रही है. तो मेरा जब 2 दिन पहले गुजर हुआ तो मैंने आई नोटिस द डिफरेंस और यहाँ पर लोग बैठ के इफ्तारी भी कर रहे थे. यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो तांगा चलाते हैं कोचवान होते हैं वो आके यहाँ पर इफ्तारी करते हैं. तो दे हैव फाउंड अ न्यू पब्लिक स्पेस थैंक्स टू दिस ग्रेट वर्क. बड़ा थेरेप्यूटिक था वो जब इसका मैंने वीडियो देखी थी जिसमें इसका क्या कहते हैं उसको ग्राइंड कर रहे थे और उसकी अंदर से शक्ल निकल के आ रही थी. वेरी सेटिस्फाइंग. देखिए इस तरह के काम से लिमिटेड चेंजेस हम लोग ला सकते हैं लेकिन अगर ये कुछ होता रहेगा इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इलाके के लोगों की ओनरशिप भी साथ में आए. और हम श्योर कि ये जब आहिस्ता आहिस्ता होते हुए देखेंगे कि काम हो रहा है जिससे लैंडस्केप चेंज हो रहा है तो हम श्योर ये चीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी. लेकिन ये छोटी मोटी डिसअपॉइंटमेंट आती रहेंगी और इससे मेरे ख्याल में घबराना नहीं चाहिए. और यहाँ पर आप देखेंगे तो हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. यहाँ पे गार्बेज बिन्स नहीं होंगी, गार्बेज पिक करने के लिए कोई नहीं आएगा और इन जनरल गवर्नमेंट की रेट बहुत कम होती है. इलेक्ट्रिसिटी के इनके अपने इश्यूज़ हैं तो कुंडे लगे हुए होंगे. जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंडामेंटल इशू है
क्योंकि इन लोगों का अभी दिल नहीं चाह रहा होगा कि हम अपने इलाके के साथ ये करें। सामने ही उनकी दुकान है, लेकिन अगर उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा तो दिस इज़ समथिंग जो कि शायद एक कॉन्वर्सेशन उनके साथ होगी तो आइडेंटिफाई हो सकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग। सारे लाओ, इतने बड़े जो साबित साबित हैं वो ले आओ। अभी यह फाइनल बाजी नहीं हुआ, ठीक है, तो वो ही चीज है जो आपने बताई निकलेगा ना, हाथ मारेंगे तो निकलेगा, नहीं तो ये ना हो कि बारिश नहीं होगा। अभी एक है, ये हमने बस खाली मारा है, इसके ऊपर एक और होगा, इसके ऊपर और माल डलेगा तो ये कभी नहीं उतरेगा। कभी अभी हमने आपको नक्शा भी दिया है और ये निशान ये उतरा देंगे। ये मैं बता रही हूँ, इसके ऊपर या तो प्लास्टिक लगा के करो, अभी लगा रहे हैं हाँ, वरना ये तुम्हारे को मुश्किल लगेगी उतारना। जी ठीक है, कहा है कि जैसे ये यूरोप में नहीं होता पेडेस्ट्रियन एरिया होता है, हमें लिख के भेजा है, होपफुली ये मंडे तक जो है ना डीसी हमें दे देगा लेटर। आप तो इजीली वॉक कर सकेंगे, लोग घर पे देंगे, इधर लोगों को तो वैसे बिल्डिंग से उतरने का भी बड़ा मसला है, यहाँ पे भी पेडेस्ट्रियन लगा देंगे तो ये तो सारे आपके वहाँ पे चला जाएगा, ये पूरा आपका पेडेस्ट्रियनाइज हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग सारकृति। So we'll focus on to this next phase. Mein agar hum kahin se, you know, we can raise some funds, we'll start cleaning these buildings up. Ye aapki dukaan hai? Ji, ye meri shop hai. Kab se hain aap? Jab se Pakistan bana tab se hain. Kitne bade to nahi hai? Ye kare wale saab hai na? Unka ye 10 saal se
देखा है ना कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो माँ से रिलेटेड होते हैं, कुछ फादर से, तो मैं फादर से रिलेटेड था इसलिए छोटा सा ही था। अच्छा लग रहा है ये काम होते हुए? काम तो बहुत, वैसे एक बात है, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि आपने इतनी हिम्मत की है कि किसी पढ़े लिखे को पहुँचा दिया। ये तो अमूमन ये होता था कि रवायती ठेकेदार सरकारी ठेकेदार बनाते थे, कैसा बनता कैसा नहीं बनता वो नहीं देखते थे और बनाते चले जाते थे। जो माहौल मैंने इधर का देखा हुआ है, मैं कहता हूँ अगर मैं ध्यान करूँ तो लोग सबसे बर्बाद करते हैं। आ जाए भाई, आ जाओ भरो जी जी आ जाओ। ये मैं रख देता हूँ, ये मैं पैकअप कर रहा हूँ। मकसद ये है कि अगर हम इस एरिया को, इस ये जो तीन सेक्शंस हैं और ये जगह को अगर हम ठीक करते हैं और हम गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि ये चीज़ हो रही है, फिर ये हो सकता है कि हम यही स्टडी को कहीं और ले जाएं। क्योंकि गवर्नमेंट तो काफ़ी अर्से से बात कर रही है कि ओल्ड टाउन को ठीक करना है, और मगर वो जब तक आपस में हम लोग नहीं ठीक, मैं भी ब्रिज के उस तरफ रहती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम्स नहीं पता है, मैं भी बाहर की बंदी हूँ, ठीक है ना। आप लोग यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आप हमें इश्यूज़ बताएं। अब ये जो नीचे जो पब्लिशिंग क्वार्टर्स हैं, जो ये पब्लिशिंग दुकानें हैं, ये बड़ी पुरानी दुकानें हैं, इन्हीं को अगर हम ऑन बोर्ड कर लें तो अगर ये एक सोसाइटी अगर हमारी फॉर्म होती है अभी फ़िलहाल, तो वो आप लोगों को क्या लगता है, मतलब आप लोग अब आप थोड़ा बताएं, एडवाइस दें इसके मामले में, आप बताइए सर।
जो लोग इस सरजमीन से लाखों रुपया कमा रहे हैं वो 5 रुपए की 2 रुपए की एक थैली के अंदर अपना कचरा नहीं डाल के फेंकते, समझ आई ना? उनको कोई मोहब्बत नहीं है इस वतन से, इस सरजमीन से या हम लोगों से, उनको सिर्फ अपने पैसे कमाने से मोहब्बत है। जब तक आप सेपरेट नहीं करेंगे इन सब चीज़ों को, प्लास्टिक अलहदा, शीशा अलहदा, लकड़ी अलहदा, कचरा अलहदा, कागज़ अलहदा, ये सारी चीज़ें रिसाइकल होने वाली हैं, ठीक है ना? और ये आप यकीन करें एक हफ्ते का काम है। ये जो आप सारे बैठे, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इधर बैठे हैं। इट नीड्स ओनली वन वीक। हमें आदत है कि नॉन मुस्लिम और मिनॉरिटी वालों को ढूंढते रहते हैं कि आगे। मैं आपको बताऊं कि जितना प्रेस के अंदर काला रंग, पीला रंग, लाल रंग, ये जितना आता है ना, इनका उठा के बाहर फेंक देते हैं। और इसको मना करो भाई, सफाई करने वाले बहुत एहतराम करें, सफाई हमारे मजहब में ईमान है, समझ आई? और जो आदमी सफाई करता है वो कितना मोहतरम है। मैं आपको बताऊं कि हम इतना सफाई वाले के साथ करते हैं कि सुबह ये 10 बजे जब आते हैं, मैं इसको खुद बोलता हूं कि भाई आए, चाय वाले को बोला हुआ है कि भाई इसको चाय दो, अगर ये नाश्ता करते हैं तो इसको पराठा दो। और फिर वो काम करते हैं। अभी तो आप लोगों ने कितने अरसे पहले ये स्टार्ट किया है, ये शुरू? हमारा तकरीबन 2 महीने हुए। फर्क पड़ा है कुछ? काफी फर्क पड़ा है। वन बाय वन बोलने की ज़्यादा जोर मिल जाइए। वो क्या मेहनत करोगे वो भी जाया होगा।